so cool. ये देखिए पूरा गेहूं की खेती है, ये भी जो है खेती खराब हो गई है क्योंकि इसको बहुत पकने से पहले ही काट दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हैं ये जो है इसमें कोई गेहूं नहीं पड़ा हुआ है। ये देखिए गेहूं का पूरा गुच्छा है, तो इसमें जो है गेहूं नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि पक नहीं रहा है या फिर कुछ कमजोरी थी, इसलिए जो है पूरे खेत को ही इन्होंने काट दिया है। क्या कारण है मुझे पता नहीं है। अब इसको जो है एक ट्रैक्टर से इन्होंने पूरा हार्वेस्ट कर लिया, काट लिया गया है। आप देख सकते हैं पूरा लाइन लाइन से कटा हुआ है। उसके बाद जो है एक दूसरा ट्रैक्टर आएगा, फिर इसको जो है गोला बना करके भूसा की तरह बना के यूज़ कर लेंगे। तो ये भी मैं देखे बहुत दूर तक गांव में आया हूं और आप देख सकते होंगे दूर दूर तक पूरा खेती खेत है और ये जो है गेहूं का खेत था, गेहूँ काट लिया गया है। पूरा गेहूं तैयार नहीं था, फिर भी जो है इसको जो है काट लिया गया है। गेहूं ही गेहूं है ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका में क्या किसान की खेती सूखा पड़ने से खेत फसल बर्बाद होती है कि नहीं। दूसरा मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि कुछ फसल, कुछ गेहूं जो है शहर में इस तरह से बोए जाते हैं जैसे गमले में फूल लगाए जाते हैं, तो वो ऑर्नामेंटल सजावट, सिर्फ सजावट के लिए फूल के लिए गेहूँ लगाए जाते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो खेत बहुत बड़ा है, आप उसके पीछे देखिए जो जंगल है, इसके पीछे भी जंगल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, इधर भी जंगल है और जिधर मैं खड़ा हूँ ये इधर ये गांव है जिधर मैं रहता हूँ। तो बड़े दुख की बात मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो है आपको सूखा फसल तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे फसल जो है सूख गई है, तो मैं उसको अवशेष अभी दिखा दूंगा। और मैं सोचा अभी घर गया, एक घंटे बाद आया, जो है घर को जोत के इसको पूरा खेत को जोत के बराबर कर दिया। इसका मैंने एक बार वीडियो बना के दिखाया था आपको, इसमें गेहूँ की फसल थी और अभी ख़त्म हो गया, उसके कुछ अवशेष भी मैं अभी दिखा दूँगा। ये देखिए जो है गेहूं जो है इनका सूख गया था, तो मैंने सोचा था आप सबको दिखाऊंगा कि जो है अमेरिका में जो है पानी की वजह से गेहूं सूख गया। तो अमेरिका में यही है कि इस खेत में क्या है कि पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से, ये भी जो है भगवान भरोसे, इंद्र भगवान के भरोसे ये पूरी खेती थी। आप जितना दूर आप निगाह पड़ सकती है उतने तरफ चारों तरफ जो है खेती खेत है, ठीक है। तो शायद इंद्र देवता ने इन पर रहम नहीं किया और इनकी फसल हो, किसान इस किसान की जो है फसल बर्बाद हो गई, तो उन्होंने जो है खेत ट्रैक्टर से जोत दिया। इसके पहले इसमें जो है मकई बोया गया था और उसके बाद जो है इसमें गेहूं बोया गया था और उसके बाद जो है मुझे लगता है दलहनी फसल इसमें बोई जाएगी। दलहनी फसल में यह हो सकता है कि उड़द बो सकते हैं, सोयाबीन बोल सकते हैं या कोई दाल बोल सकते हैं। तो आप देखते हैं मिट्टी जो है इसकी बहुत अच्छी है, भुरभुरी है, शायद मुझे लगता है कि लाल मिट्टी जैसा लग रहा है ना, लाल और ब्लैक, लाल और काली मिट्टी मिला के बहुत अच्छी मिट्टी है, पैदावार वाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में जो है खेत कितने में बिकता है। तो इस खेत को, हर खेत में तो लोकेशन के हिसाब से अपना प्राइस है, और इस वाले खेत का जो प्राइस है लगभग ये जो है $6,000 से $7,000 एक एकड़ ज़मीन का है, और बीघे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग जो है आपको $600-$700 एक बीघे का मिलेगा, जो कि 35 से 50 या 60 हज़ार रुपये एक बीघे का ज़मीन का प्राइस है यहाँ पे। तो मिला जुला के मुझे तो बहुत सस्ता लगा, तो लगभग जो है आप समझ लो $60,000 का एक बीघा तो सस्ता ही है एक तरह से। अब एक उपज में है कि इधर से बहुत ज़्यादा उपज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पानी की सुविधा नहीं है, आपको खुद से जो है पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं पहले गेहूँ ऐसा ही था कुछ, अभी सब सूख गए हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है ना कि कुछ गेहूँ यहाँ पे जो है पर्पल कलर के हैं, जो कि मैंने इस तरह से कभी देखा नहीं था पर्पल। ये आप ये देख सकते हैं, ये देखिए पर्पल, यही इतना अवशेष बचे हैं। मैं सोचा आपको दिखा दूँ कि किसान का जो है गेहूँ बेचारे का बर्बाद हो गया, इसमें जो है कुछ भी मतलब दाने भी नहीं आए, सही नहीं दरअसल में। और आपको शायद ट्रैक्टर की आवाज़ भी आ रही होगी जो है, जो जिसने जो है खड़ी फसल पे जो है ट्रैक्टर चला दिया। तो मैं इधर से घूम रहा था तो मैं सोचा कि गेहूं सूख गया है, मैं थोड़ा वीडियो बना लूं, क्योंकि मैंने सूखा हुआ अमेरिका में सूखा पड़ना मैंने कभी खेत देखे नहीं थे। और एक घंटे बाद आया, तब तक जो खेत में देखो जो ट्रैक्टर से जोत के सब बराबर कर दिया। एक होता है ना कि एक खेत को जोतने के लिए जो है 10 आदमी या 4 घंटे में जोतते हैं, और उसी खेत को अगर 5 आदमी जोते तो कितने घंटों में जोतेंगे, तो भगवान जाने कितने घंटे में इन्होंने जोत दिया। तो इस तरह से हमने ये भी जाना कि अमेरिका में भी सूखा पड़ता है, अमेरिका के किसान भी
सूखे की मार झेलते हैं। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अब हम पहुंचने वाले हैं उस खेत में जहां पे जौ और गेहूं उगाया जाता है सुंदरता के लिए, न कि खाने के लिए। ये जो है शहर को बीचों बीच जो है इस साइड जो है शहर है, और ये जो है यहाँ पे बन रहा है तालाब, और इसके पीछे जो है बहुत बड़ा जू है मेरीलैंड का। तो इसी पार्क में जो है गेहूं लगाया गया है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। कुछ गेहूं अमेरिका में ऐसे हैं जिसको जो है गार्डन की तरह सजाया जाता है, उसको खाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सजाने के लिए करते हैं। प्रॉपर पानी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे खाने के लिए। देखिए यहाँ पे है नेचुरल तालाब ये है, और ये बन रहा है आपका पक्का वाला तालाब। सब देखिए, सब जो है एक्सकेवेटर वगैरह मुँह नुचवा जिसे बोलते हैं, ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। देखिए पहले तालाब यहाँ से लेके पूरा उस कॉर्नर तक था ये। इसके पीछे जो है पार्क है बहुत बड़ा है, और जू भी है, और इन्होंने देखे बीच में डिवाइडर डाल के उस पार जो है पक्का बना रहे हैं। अभी इस पार पता नहीं बनेगा कि नहीं। अब मैं पहुंच गया हूं उस पार्क में। ये शहर है, ये मेरे पीछे जो है बहुत बड़ा पार्क है, तालाब है उसके पीछे जो है बहुत बड़ा पार्क है। और ये जो आप साइड में जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये खास नहीं, इसको सजाया गया है, इसको लगाया गया है। ये है जौ, और जिसमें गेहूं भी मिक्स है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको डिटेल में। तो आप देखिए एक गेहूं का पैच है, फिर इधर से घास लगाए हैं, फिर गेहूँ है, फिर घास है, फिर गेहूँ है आगे, ठीक है। और मैं इसमें मुझे 100 का नोट भी मुझे दिख रहा है, देख रहे हैं ये, मुझे 100 का नोट भी मिला। शायद पता नहीं असली है कि नकली, लग तो असली जैसा रहा है, पता नहीं। देख रहे हैं रोड के किनारे मुझे $100 मिले, और ये कुछ ठप्पा जैसा लगा हुआ है चाइनीज़ का, मुझे पता नहीं है क्या है, पता नहीं असली एक नकली। कड़ाकेदार नोट है, मैंने ऐसा कड़ाकेदार नोट कभी देखा नहीं था। और ये जो दो लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन होता नहीं है, और ये तो ठप्पा टाइप से लग रहा है, पता नहीं। और इधर भी जो दो लाइन है तो इसका क्रॉस किया गया है, तो हो सकता है असली ना हो, लेकिन देखने में एकदम हूबहू टच वगैरह सब असली लग रहा है मुझे। बाकी भगवान मालिक है, अभी घर जाके मैं चेक करता हूँ। अब हो सकता है ये जो नोट है किसी किसान भाई का होगा, जो जिसने ये जो है गार्डनिंग किया हुआ है उसी का हो सकता है, या जो है उधर से शहर के साइड से उड़ के आया होगा इधर, तो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल मैं आपको दिखा रहा था कि जो ये सड़क है उसके किनारे जो ये ग्रीनरी लगाई गई है, इसके बारे में बता रहा था। ये जौ जो है, जौ भी है, गेहूँ भी है। देखिए ये वाला इसमें है जौ, और ये सब जौ अपने आप से नहीं बोए, लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो है एक बेस है ना, इस बेस के नीचे जो है सीड डाले हैं, और ये बेस इसलिए लगाते हैं ताकि कभी पानी बरसे तो बह के ना निकल जाए ये, ठीक है। ये प्लास्टिक का बेस होता है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं, इसको हमेशा के लिए रहेगा, और इससे जो है मिट्टी भी जो है बहेगा नहीं, और पेड़ भी नहीं बहेगा अगर काफ़ी तेज़ बारिश हो गई तो। आइए आगे दिखते हैं। देखिए फिर घास का नाम आ गया, अल्टरनेट पे लगाए हैं। ये देखिए एक पैच यहाँ का भी है। तो इस प्रकार के गेहूँ में आपने इसको जो है प्रॉपर पानी डालते हैं ताकि ख़राब ना हो ये, ताकि इसकी सुंदरता है रोड की बनी रहे, इसलिए इस तरह लगाया गया है। और वहाँ पे आपने देखा कि गेहूँ ख़राब हो गया है पानी के बगैर, पानी ना मिलने की वजह से यहाँ पे जो है प्रॉपर पानी दिया जाता है। पानी लाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी है, देखो यहीं बगल में है तालाब, और यहाँ पर आती है टैंकर इस रोड पर, और इसे पानी देते हुए चली जाती है, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गेहूं का एक पैच यहाँ पर भी है। ये वाला बेस यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी कोई पार्क में कोई पेड़ लगाया जाता है छोटे पौधे का, तो इस तरह से एक प्लास्टिक का बेस होता है, वो लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। इसके नीचे सीड रहता है, तो उसके यही लगाने से फ़ायदा होता है कि कभी बारिश होगा तो मिट्टी नहीं बहेगी, प्लांट नहीं जाएगा।
अब देखिए सब लहलहा रहे हैं, गेहूं एकदम बहुत बढ़िया है। इसको जो है कोई खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिर्फ देखने भर के लिए है ये। उसके बाद ये अपने आप पकेगा, अपने आप यहीं गिर जाएगा, कोई इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे घर ले जाने के लिए। तो अमेरिका में गेहूं न सिर्फ खाने के लिए बल्कि जो है सुंदरता के रूप में भी उपयोग करते हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है इधर। तो इसको इसकी हाइट को आप देख सकते होंगे, जो अपने देश में जो गेहूं होता है उसकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है और इसकी हाइट जो है थोड़ा छोटा है, हो सकता है दूसरी प्रजाति की हो, क्योंकि इस टाइप के जो गेहूं है बहुत छोटे छोटे हैं। तो दूसरी प्रजाति है, तो मैं देखता हूँ ये कौन सी प्रजाति है, इसका नाम शायद उस पार लिखा है, मैं थोड़ा पहुँचने की कोशिश करता हूँ क्या है। तो इधर जो है प्रजाति का नाम मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या है ये गेहूँ, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपने देखा कि अमेरिका में एक तरह गेहूँ जो है पानी के बगैर सूख रहे हैं, और दूसरी तरफ इसको जो है गमले में जैसे फूल होते हैं उस तरह से सेवा करके पानी दे करके इसको इस पार्क की शोभा बढ़ा रहा है। तो जो मुझे ये नोट मिली थी, आके मैंने गूगल किया, इसमें दो चीज़ें डिफरेंट थी, एक जो है कुछ चाइनीज़ शब्द में कुछ लिखा हुआ है और दो लाइन। तो मैंने गूगल किया तो पता लगा कि नोट जो है नकली है। तो इसका जो है 2017 में एंट्री हुआ था अमेरिका में नकली नोटों का। तो मुझे लगता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, एटलीस्ट उनको पता चल जाए कि इस नोट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ तक, क्या पता उसको ट्रैक करने में उनको आसानी होगी। ठीक है, तो पुलिस को फ़ोन करने के लिए दो नंबर है, 911 जो इमरजेंसी नंबर है, 311 जो नॉन इमरजेंसी है। ठीक है, तो मैं जो है नॉन इमरजेंसी जो नंबर है वो उस पर मैं फ़ोन करता हूँ, देख रहे हैं 311। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो है मुझे वहाँ पर मिला, ताकि उनको जो है थोड़ा एक आइडिया लग जाए। हेलो, है दिस इज़ रमेश कॉलिंग फ्रॉम ड्रूड हिल पार्क। आई फाउंड 100 बिल इन ड्रूड हिल पार्क which is seems no I just wanna this is like seems like a fake 100 bill has some Chinese print on it and something bill, so I thought I could inform the police list just in case they want to check the distribution of this kind of currency or something. No, I don't need a police officer, I just want to inform. To unhone jo hai note kar liya hai, unhone keh rahe koi baat nahi, just chill. असल ये है तो भी कोई जो फोन करने की जरूरत नहीं थी। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए हैप्पी गेहूं, बाय बाय।